गुड मॉर्निंग, जय माता दी सभी को। और गाइज, सुबह के 6 बजे हैं, 5:30 बजे मेरी आँख खुल गई थी और 6:45 बजे मैंने राजीव को उठाया था पढ़ने के लिए भी उठ जाए अपना, थोड़ा पढ़ाई कर ले, पर नहीं, वो नहीं उठा। तो गाइज, मैं सबसे पहले तो अपने पर्दे खोल देती हूँ। मैंने ये वाले पर्दे खोल दिए हैं और अब मैं अखबार रखा हुआ था ये कल मैंने मार्केट में 2 बोतलें ली थी, मेरी मम्मी आए थे, वो बीमार हुए हुए आजकल, तो उनके लिए मैं ये ले गई थी। वो ना घर से लेके आए थे पानी की बोतल, लेकिन बहुत दूर से, और सबसे पहले मैं लगा लूँगी इसमें भगवान जी के भजन और फिर मैं काम स्टार्ट कर दूँगी। 6:15 हो चुके हैं। गाइस, अभी मैंने अपना रजाई उठाई है और उससे से कमरे का भी हालात ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत तो साफ सफाई करने को है। और वहाँ लगाए हुए मैंने भजन रोका हुआ वीडियो और हनुमान जी का भजन लगा हुआ। सुबह सुबह मैं हनुमान जी का और कान्हा जी का, मतलब जो भी होता है माता जी का, जिसका भी होता है भजन, अच्छे अच्छे भजन सुनती हूँ। और बस अब मैं किचन में जाती हूँ, पहले बाथरूम में पानी लगाती हूँ गर्म करने के लिए और फिर काम स्टार्ट हो जाता है। और मेरी पूजा पाठ इसी कमरे में होती है गाइस, पर क्योंकि परले वाला का स्टोर रूम है उसमें जगह ही नहीं है। और यहाँ पे राजीव सोया होता है आजकल, 2-3 दिन से ये यहीं सो रहा है, 2-3 दिन से। इस बार मैंने गद्दे लगाए हुए, डबल गद्दे, यहाँ सोई वहीं ये लिखता है, अपनी पढ़ाई करता है और यहीं सो जाता है। और पता नहीं क्यों आजकल ये परे वाले कमरे में नहीं सो रहा है और यहीं लिखता है, यहीं अपने ड्रेस देखो कैसे खोल ली हुई इसने। और ये स्टोर रूम में अब मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, फिर इसके लिए खाना भी बनाना, ब्रेकफास्ट, लंच, उसके बाद देखते हैं घर का और काम। गाइस, आज मैं ये दाल बनाऊंगी और गैस की मैंने साफ सफाई नहीं की थी रात को। वैसे तो मैं रात को हमेशा साफ सफाई करके ही सोती हूँ, कल नहीं की भी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, थोड़ी सी सिर में हो रही थी दर्द। और ये मैंने कल दिन को बादाम डाले थे भीगने के लिए, यही बचे हुए थे बस, तो मैंने इसको भीगने डाल दिया था।
भर ली बाल्टी पानी की। सबसे पहले मैं इसी को गर्म करने लगाऊंगी। मैं कर लेती हूँ अब टूथब्रश। राजीव, राजू उठ से बेटे, 7 बजे होने लग गए, लेट हो जानी। एक मिनट में उठ जा। ये रख दी मैंने भीगने के लिए, इससे इसके छिलके निकल जाएंगे। और ये दाल मेरी और न्यूट्रिया मैंने भिगोने रखी थी। अभी गाइस मैंने इसमें पहले सरसों का तेल डाल दिया था, और हम इसमें एक गैस में जीरा और इसमें डाल रही है ये धनिया डाल दूंगी मैं इसमें, पिसा हुआ धनिया और हल्की सी मिर्च, क्योंकि बेटा खाता नहीं है। मैंने अच्छी तरह से धो दी है दाल भी और न्यूट्रिया भी, 2-3 पानी से अच्छी तरह धोकर। अब मैं डाल देती हूँ इसमें तड़का भी, अब तैयार हो चुका है। इसमें 2 सीटियाँ आएगी, उतने में मैं आटा गूंद देती हूँ। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दूंगी 10 मिनट के लिए, और फिर इसको लंच के लिए बनाऊंगी। दाल ये तैयार हो चुकी है, अब मैं थोड़े से चावल बना लेती हूँ। राजीव चावल ले जाने स्कूल को, हैं फूल कर ले जाना, चपाती ले जाने। ये राजीव के लिए मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है, परांठा और चावल और न्यूट्रिया दाल, और 4 चपाती का आटा रात का बचा हुआ था, तो 2 परांठे मैंने ये बना दिए, 2 और बनेंगे।